श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, जब से आपकी शादी हुई है आप इस घर परिवार में आए हैं, आपके जीवन के दुख कष्ट जो खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आप देखिए। गुरुजी का जो एक नया उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आपको क्या करना है, हरे मूंग आपको जो है गला लेना है, ठीक है। 5 से 7 घंटे पहले आप गला दीजिए, 4 घंटे पहले, और उसको जो है पानी से आपको निकाल लेना है, ठीक है। समझ में आ गया, हरे मूंग जो होते खड़े, ठीक। और आपको लेना है 7 बेलपत्र। आप जब लेंगे तो टूटे फूटे कटे कहीं से भी नहीं होने चाहिए, ये मैंने हमेशा से आपको बताया है, ठीक है। अब आपको जो है शिव मंदिर जाना है, ठीक है। अब आप शिव मंदिर जब जाएं, वहाँ जाने के बाद भगवान जो नंदी है उनका जो उठा हुआ पैर होता है राइट भाग, वहाँ पे आपको जो है सारे हरे मूंग आपको चढ़ा देने हैं। तो कितने ले लीजिएगा, आधी कटोरी, एक छोटी एक कटोरी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र भगवान नंदी को समर्पित करना है। और भगवान नंदी को जब आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो सीधे समर्पित होते हैं, और पैर के जहाँ जब आप समर्पित करते हैं तो डंडी वाला जो भाग है वो नंदी की ओर ही होगा, और पत्ती का जो भाग है वो भगवान शंकर की ओर होगा, ठीक है। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र जब आप चढ़ा दें तो वहाँ से उन 7 बेलपत्र को जो है उठाना है, ठीक है। उठा करके फिर आपको भगवान शंकर के पास जाना है, जहाँ भी शिवलिंग है उसी मंदिर में ही है, ठीक है। फिर आपको जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करना है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, जहाँ से जल बह करके जाता है वो हमेशा उत्तर की ओर ही होता है, ठीक है। और ये उत्तर की ओर क्यों होता है, क्योंकि उत्तर की ओर जो कैलाश पर्वत है वो उनको जो है ये समर्पित होता है, कि जब भी हम शिव जी को जल समर्पित करें तो ये उत्तर दिशा की हो, और कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी जो है वो निवास करते हैं, तो उस ओर जो है ये हमारा जल जो है बह करके जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना, 7 बेलपत्र आपको एक एक करके भगवान शिव जी पर अर्पित करना है, ठीक है। डंडी का जो भाग है वो अपने तरफ आपको रखना है, और 7 बेलपत्र आपको भगवान शंकर पर समर्पित कर देना है एक एक करके, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और ये जो 7 बेलपत्र आप चढ़ा दें। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जब आपकी मनोकामना बोल लें और पूजा पाठ आपकी जो सब हो जाए, जब आप घर के लिए प्रस्थान करने वाले हों, जाने वाले हों, उससे पहले आपको क्या करना है, वो जो हरे मूंग है वो जो नंदी भगवान के पास है उन सारों को वापस से आपको आपकी कटोरी में रख लेना है। और बाहर निकलते टाइम आपको जो है नंदी जो होते हैं, जो नंदी भगवान जो बैल होते हैं वो जो है आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, आप उनको जो है इन हरे मूंग को खिला दीजिए। आप देखेंगे कि आपके ससुराल पक्ष में, आपके ससुराल में जो भी दुख तकलीफ कष्ट, हर प्रकार के कष्ट जो है धन से संबंधित हो गए, रोग से संबंधित हो गए, सारे कष्ट आपके मिटेंगे, और साथ ही साथ आपको जो है मान सम्मान जो है वो भी आपको मिलेगा, आपके लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और जो है आपको जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है ससुराल में वो आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो है चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब जो है मैं अगले वीडियो में मिलूँगी एक नए उपाय के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।